अजय देवगन आर्माद वन और ज्योतिका स्टारर मच अवेटेड फिल्म शैतान 8 मार्च को सिनेमाघर में रिलीज हो गई है। वहीं 7 मार्च को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई में हुई, जिसमें फिल्म के स्टार कास्ट के साथ बॉलीवुड के कई सितारों ने भी हिस्सा लिया। फिल्म के स्क्रीनिंग में अजय देवगन की बेटी का किरदार निभा रही जानकी बोदीवाला भी पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस में पहुंची। इस फिल्म के साथ गुजराती एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला ने भी बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा है। चलिए आपको बताते हैं जानकी बोदीवाला कौन है। दरअसल 30 अक्टूबर 1995 को अहमदाबाद गुजरात में जन्मी जानकी बोदीवाला एक शानदार एक्ट्रेस हैं। उन्हें गुजराती सिनेमा में छेलो दिवस, दौड़ पकड़ और वश जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। जानकी बोदीवाला ने अपनी स्कूली पढ़ाई के बाद गांधीनगर के गोयनका रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने बैचलर ऑफ डेंटल साइंस की पढ़ाई शुरू की। ग्रेजुएशन के बाद जानकी ने अपने एक्टिंग के पैशन को फॉलो किया। उन्होंने डेंटिस्ट में अपना करियर बनाने के बजाय एक्टिंग को अपने करियर के रूप में चुना। जानकी ने 2019 में मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया, जिसमें वो गुजरात की टॉप 3 फाइनलिस्ट में से एक रही। जानकी बोदीवाला ने 20 साल की उम्र में छेलो दिवस के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और जानकी की भी जमकर तारीफ हुई। वहीं अब शैतान मूवी में जानकी बोदीवाला अजय देवगन की बेटी का किरदार निभा रही हैं। वैसे आपको बता दें कि जानकी बोदीवाला दिखने में काफी खूबसूरत है। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। Right.